हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है प्रकाश और आप सभी का स्वागत है प्रकाश चौहान यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में पबजी गेम को डाउनलोड करके उसे खेल सकते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं कि गेम डाउनलोड नहीं हो रही है। तो दोस्तों, उसकी जो लिंक थी वो खराब हो गई थी। अब दोस्तों, मैंने वो लिंक चेंज कर दी है। तो दोस्तों, उस वीडियो पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस वीडियो की लिंक आपको इधर आई बटन में मिल जाएगी। तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी गेम के डाउनलोडिंग की, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, उस वीडियो पे और भी कमेंट आ रहे थे कि गन किससे चलेगी, गन नहीं चल रही है, गन किससे चलाएं और कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल के ऊपर फुल वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि कैसे आप पबजी गेम को अपने लैपटॉप या फिर पीसी से कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे गन चला सकते हैं, कैसे उसको दौड़ा सकते हैं, कैसे लेटा सकते हैं, कैसे बैठा सकते हैं। वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो और कुछ सीखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पबजी के सारे कंट्रोल बताता हूँ जिसकी मदद से आप पबजी खेल सकते हैं अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। तो दोस्तों, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कि इधर क्लासिक TTP लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, इधर हमें जो सारे जो मैप है वो दिखाई देने लगेंगे। तो ये तीन मैप अभी तक आए हैं, तो ये तीन मैप अभी आप देख सकते हैं, सैनऑफ और एरेंजल। अभी दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही पर्सन को रखा है, कि यानी कि मैं अकेला ही खेल सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं दो के साथ खेलना चाहता हूँ तो दो लोग हम खेलेंगे, या फिर हम चार टीम के साथ खेलना चाहते हैं तो चार टीम खेलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अकेला खेलना चाहते हो तो आप अकेले खेल सकते हैं, तो आप अकेले ही क्लिक करें अगर आप अकेला खेलना चाहते हो। और दोस्तों, आप इधर देख सकते हैं कि इधर FPP लिखा हुआ है, जो इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों, इधर आप क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे, तो इधर क्या होगा कि आप जैसे कि पबजी खेलते हैं तो पबजी में आपने देखा होगा कि केवल हाथ ही दिखाई देते हैं और कुछ उसका चेहरा या फिर उसका हेड यानी कि सिर दिखाई नहीं देता। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। उसका हेड बेड सब कुछ देखना चाहते हो तो आप केवल यह थर्ड पर्सन ऐसे वाला क्लिक कर दें और इसको कर दें ओके। ओके पे आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद को स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के लिए आपको क्या करना है कि माउस का जो ये लेफ्ट बटन है इसको क्लिक करना है ओके। तो जिसकी मदद से आप इसको चला पाएंगे और माउस की मदद से आपको इसको यूज़ करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप अपने लैपटॉप में जो उसका जो टच माउस आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, माउस की मदद से आप इधर इधर देख सकते हैं। आप इस तरह माउस घुमाएंगे तो ऐसे दिखेंगे और इस तरह घुमाएंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं। अभी दोस्तों, आपको पता होगा कि गेम स्टार्ट नहीं हुई, गेम स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी दोस्तों, मैं इसको दौड़ा देता हूँ, तो ये अभी आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ही दौड़ रहा है। तो किसकी मदद से, किस कौन सी की को मैंने दबाया है कि जिसकी मदद से ऑटोमेटिक ही दौड़ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, आपको गेम स्टार्ट होने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा कैसे यूज़ करना है, कैसे खेलना है। अभी दोस्तों, ये जो गेम स्टार्ट हो गई है, थोड़ी सी स्टार्ट हुई है क्योंकि अभी हमें प्लेन से नीचे कूदना है। अभी आप देख सकते हैं कि इधर आप मैप देख सकते हैं कि इधर मैप है, आपको मैप देखने को मिलेगा। इधर आप माउस को ऐसे घुमाएंगे तो इस तरह आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको एरो लाना है बीच में तो आपको कंट्रोल बटन को क्लिक करना है। कंट्रोल बटन पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये रहा एरो, ये एरो आ जाएगा। अगर हम दोबारा से कंट्रोल बटन को क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। अभी इधर आप देख सकते हैं कि एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, इधर आपको F बटन का जंपिंग का। अगर आप F को क्लिक करेंगे तो आप इधर जंप कर पाएंगे, आपको जहाँ पे क्लिक जंप करना है वहाँ पे जंप कर पाएंगे। आप कैसे उसको और आप कैसे पता करेंगे कि आपको कहाँ पे जंप करना है, तो दोस्तों आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ। M को क्लिक करना है, M को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मैप ओपन हो जाएगा। अभी आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ पर कूदना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यहाँ पे कूदने के, तो इधर मैं एरो से टिक कर दूंगा। राइट क्लिक करना है आपको माउस का और आपको एरो जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से M बटन को क्लिक करना है जिससे ये निकल जाएगा, और आपको F बटन को क्लिक करना है ताकि आप नीचे जंप कर पाएँ। जंप करने के बाद दोस्तों, आप माउस की मदद से यहाँ इस तरह घुमा सकते हैं, गोल गोल इस तरह घुमा सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आपको W को क्लिक करना होगा, जिसकी मदद से इसे आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने यहाँ पे मार्क को टिक किया है। मार्क को टिक करने के बाद आपको मैं M क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो इधर आप देख सकते हैं कि एक लाइन बन जाएगी हमको वहाँ पे ले जाने के लिए, एक डिस्टेंस लाइन।
जिसकी मदद से हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि इधर 126 तक नीचे छू गया, तो दोस्तों पैराशूट ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा। अभी हम जहाँ पे कूदना चाहें वहाँ पे कूद सकते हैं। तो अभी आप नीचे जाना चाहते हैं तो आपको W को प्रेस करके रखना है और ऐसी जगह पे उतरना है जहाँ पे आपको गन्स या सब कुछ मिल जाए जिससे आप पबजी खेल सकें। अभी दोस्तों इसको दौड़ाने के लिए, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑटोमेटिक ही दौड़ा है। इसको दौड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्लस और इक्वल का जो एक बटन है उस पर क्लिक करना है। जो बैक स्पेस के पास आपके पास सामने एक बटन मिल जाएगा प्लस और इक्वल का बराबर, यानी कि गुजराती में इसको बराबर कहते हैं, तो उसका जो बटन मिल जाएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है जिससे ये ऑटोमेटिक ही दौड़ने लगेगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक दौड़ रहा है। अगर आप इसे मैन्युअली दौड़ाना चाहते हैं तो आपको W को क्लिक करना है। W को क्लिक करने के बाद ये मैन्युअली दौड़ेगा। आप W को क्लिक करके रखेंगे तो इसे दौड़ता रहेगा, इसे दौड़ता रहेगा। आपको जहाँ पर जाना है माउस को घुमाना है, जिस दिशा में यानी कि जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन में आपको माउस को इसे घुमाते रहना है, जिसकी मदद से आप जहाँ पे जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। मुझे इधर बहुत सारे होम दिख रहे हैं, मैं उतर जाना चाहता हूँ तो मैं ऑटोमेटिक दौड़ाना चाहता हूँ तो मैं प्लस और इक्वल वाले बटन को क्लिक कर देता हूँ जिससे ये ऑटोमेटिक ही दौड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको इधर एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको वहाँ जा कोई एनिमी मिल जाए तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इधर ही। जैसे कि हमें इधर लेफ्ट में जाना है तो आपको लेफ्ट में जाने के लिए A को क्लिक करना है जिसकी मदद से आप इस तरह लेफ्ट में जाएंगे। राइट में जाने के लिए आपको D को क्लिक करना है। दौड़ते दौड़ते राइट में जाने के लिए आप इस तरह क्लिक कर सकते हैं। W और D को साथ में क्लिक कर सकते हैं या फिर W या फिर A को साथ में क्लिक करेंगे तो आप इधर दौड़ पाएंगे। अब दोस्तों बैक जाने के लिए आपको क्या करना है, S को प्रेस करना है। S की मदद से आप प्रेस जाएंगे। अब दोस्तों बैठने के लिए आपको सी को क्लिक करना है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होगा कि हम बैठे कैसे, किस तरह हम बैठ सकते हैं नीचे। तो अगर सी को क्लिक करेंगे तो आप नीचे इस तरह बैठ जाएंगे, और सी को दोबारा क्लिक करेंगे सी बटन को तो सी की को सॉरी सी की को आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आप उठ जाएंगे। अब दोस्तों इसको आप सो कैसे सकते हैं, इस तरह की घास से इधर आप सो कैसे सकते हैं, तो आपको सिंपली जेड बटन को क्लिक करना है जिसकी मदद से आप इधर लेट जाएंगे ताकि आपको कोई देख ना पाए, और इस तरह W को प्रेस करते हुए आप आगे जाएंगे। W बटन पर क्लिक करते हुए आप आगे जा सकते हैं। तो अगर आपको उठना है तो आपको जेड को दोबारा से क्लिक करना है, इस तरह आप सीधे उठ जाएंगे। या फिर आपको सोते सोते बैठना है तो आपको सी क्लिक करना होगा, तो आप इस तरह बैठ जाएंगे और सी को दोबारा क्लिक करेंगे तो आप इस तरह उठ जाएंगे। अभी दोस्तों हमें वहाँ पे जाना है, वहाँ पे एनिमी तो शायद होगा ही, कोई ना कोई बंदा तो होगा जो हमें सामने से फायर करेगा, तो वो सब देख लेंगे। अब दोस्तों इधर आपको मैं एक सब कुछ इधर ही दिखा देता हूँ, फिर हमको गन की बारी आएगी और जो ग्रेनेड उसकी बारी आएगी वो कैसे चलानी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, गन कैसे चलानी है। अभी दोस्तों आपको आपके कीबोर्ड में टैप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, टैप का बटन, टैप के बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो बैग होगा, आपके बैग में जो भी होगा वो सब कुछ दिखाई देगा। आप टैप को दोबारा से क्लिक करेंगे तो टैप को दोबारा से क्लिक करने के बाद ये सब कुछ निकल जाएगा, आपका बैग सब कुछ चला जाएगा। और आपको मैंने आपको जैसे आगे बताया कि एरो को लाने के लिए कंट्रोल को क्लिक करना है। अभी दोस्तों अभी क्या करना है कि अभी हमें गन ढूंढनी है और उसको यूज़ करना है। अभी दोस्तों रेड जोन आ गया है तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि रेड जोन मार डालेगा। अभी 2 मिनट की बारी है, हमें गन ढूंढने जानी है तो गन ढूंढ लेते हैं जल्दी से, शायद एक मिल जाए या फिर दो, शायद एक दो तीन मिल जाए तो मैं आपको बता सकूं कि कैसे हमें यूज़ करना है। यहाँ पे लगता है कोई आया नहीं है तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। और गाइस इधर हमें एक गन मिल गई, अब इसको हम इसकी गोली को ही ऑटोमेटिकली ले लेगा, और अब यहाँ पे ग्रेनेड मिल जाएगा, ग्रेनेड को भी ले लेगा, हेलमेट और सूट जो कवर सूट आता है वो भी ले लेगा। इधर हमें एक और गन मिल गई। अब दोस्तों मैं आपको चीज़ वो दिखा देता हूँ कि कैसे हम गन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये पहली गन है हमें इसको यूज़ करना है, तो आपको 2 नंबर को क्लिक करना होगा। जिस नंबर पे आप जिस गन को यूज़ करना चाहते हैं उस नंबर पे आप क्लिक करिए ताकि ये खुल जाए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने 2 बटन को क्लिक किया 2 नंबर को तो ये ओपन हो गया। अब मैं 1 नंबर को क्लिक करूँगा तो ये दूसरी गन पहले थी वो आ जाएगी, 1 नंबर पर 1 वाली आएगी, 2 नंबर पर दूसरी वाली आएगी, तो आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों गन को चलाने के लिए आपको किसका यूज़ करना है, अभी आप दोस्तों दोनों को रखना चाहते हैं तो इसे जैसे कि ले ली, अब इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये दोनों रह जाएगी और हम दौड़ पाएंगे जल्दी से फास्ट। दौड़ने के लिए दोस्तों आप गन को पीछे रख लीजिए तभी आप आसानी से दौड़ पाएंगे। ग्रेनेड, अगर आपको इस ग्रेनेड को उठाना है, ग्रेनेड को अगर ऑटोमेटिक नहीं उठा रहा है तो आपको ऐप को क्लिक करना है,
अगर आपको ऐप के साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो एक साथ होगी, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कौन सी की दबानी है जिसकी मदद से आप इसको उठा पाएंगे, तो आसानी से आप सभी चीज़ों को उठा पाएंगे। और दोस्तों इस जगह पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाते हैं। ओके दोस्तों, आपने देख लिया कि ऑटोमेटिकली उठा लेगा ये। अभी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि फायरिंग कैसे करते हैं। फायरिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको गन ले लेनी है। ये गन ले ली मैंने। अभी गाइस क्या करना है कि गन को लेने के बाद आपको जिस भी एनिमी यानी कि आपके सामने जो भी आएगा बंदा, उसको जैसे कि मैं पेड़ ले लेता हूँ, पेड़ को शूट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले टिक ऐसे कर लेना है, फोकस कर लेना है, फिर आपको माउस का जो ये लेफ्ट बटन है, लेफ्ट बटन उसको क्लिक करना है, जैसे कि मैं आपको क्लिक कर दिखाता हूँ। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये फायरिंग हो रही है। मैंने पेड़ को लिया था क्योंकि माउस हिल गया है, इसको क्लिक करेंगे तो ये फायरिंग करेगा। और ये दोस्तों रीलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप रीलोड करना चाहते हैं तो आर बटन को आप सिंपली क्लिक कीजिए। आर बटन आपको इधर मिल जाएगा। आर बटन को आप सिंपली क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड में, तो दोस्तों इससे आप रीलोड कर पाएंगे। या फिर आप कंट्रोल को क्लिक करके माउस को ला के आर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा रीलोड। अभी दोस्तों गाड़ी कैसे चलानी है। गाड़ी को ड्राइव करने के लिए आपको ऐप को क्लिक करना है और W को प्रेस करते हुए आपको दौड़ाना है। अभी दोस्तों इसमें आप अभी इधर आपको इसको फास्ट दौड़ाना है, तो आपको सिंपली शिफ्ट बटन को क्लिक करना है कीबोर्ड में, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं क्या फायर निकलने लगेगी गैस और ये फास्ट दौड़ने लगेगी। तो दोस्तों इस तरह आप PUBG को कंट्रोल कर सकते हैं कीबोर्ड और माउस की मदद से। फायरिंग करने के लिए आपको माउस के लेफ्ट बटन को यूज़ करना होगा, और फोकस करने के लिए और जूम करने के लिए दोस्तों आपको माउस के जो राइट बटन है उसको क्लिक करना होगा, तभी आप इसको जूम कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे उतर के, वो तो दिखाना भूल ही गया। जैसे कि बाहर निकलना है तो आपको इसको क्लिक करना है। अभी दोस्तों हमें जूम करना है किसी के ऊपर, जैसे कि हमारे पास अभी स्कोप नहीं है लेकिन हमें जूम करना है, तो हमें जो राइट बटन है इसको क्लिक करना है, तो इस तरह हम जूम कर पाएंगे। अगर स्कोप होगा तो अच्छे से जूम होगा, क्योंकि हमारे पास स्कोप नहीं है तो दोस्तों ये जूम नहीं हो रहा है सही तरीके से। तो अगर आपके पास स्कोप हो तो आपको माउस के इस बटन को क्लिक करना है, जिसकी मदद से आप इसे जूम कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम PUBG को कंट्रोल कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे खेल सकते हैं। अभी दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई बढ़िया और अच्छी वीडियो के साथ।